हेलो एंड वेलकम टू विजय सर क्लासेस। मैं हूं रंजीता, आपकी सोशल साइंस हेल्पर। और आइए बिना टाइम गंवाते हुए हम अपने आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था, हिस्ट्री का, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांति की शुरुआत। ठीक है, कहाँ की? फ्रांस की, है ना? ये तो आपको पता होगा ही। ठीक है, फ्रांस की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रांस में हमने लास्ट टॉपिक में, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आखिर किस तरह से पूरी क्रांति की शुरुआत हुई। हमने नेशनल असेंबली के बारे में जाना, हमने फाइनली ये जाना कि नेशनल असेंबली को किंग लुई 16 को मान्यता देनी पड़ी, और इसके बाद का जो डेवलपमेंट है ये हम आगे के अपने टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना? यानी कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या संवैधानिक राजतंत्र का क्या मतलब होता है? ठीक है ना, हम इससे पहले भी हम लोग ये टॉपिक, ये वाला जो वर्ड है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको और बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, और मोनार्की का क्या मतलब होता है? जो वंशानुगत जो किंग होते हैं, हम ये मोनार्की का ये मतलब होता है ना। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं था, तब क्या होता था कि किंग के जो राइट्स थे, उसके पावर थे, वो क्या होते थे? अनलिमिटेड होते थे, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोनार्की तो खैर रहेगा, किंग रहेगा, किंग के बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा, ये सब किंग चलते रहेंगे, लेकिन उसके जो पावर अनलिमिटेड नहीं होंगे, अनलिमिटेड नहीं होंगे उसके पावर। ठीक है ना, वो किसके अंडर में होंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देगा, तभी क्या है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना? तो ये इसी को हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आप इधर पे आइए, तो ये जो नेशनल असेंबली उस समय जो पूरे अपने उस समय पावर में थी, तो उसको क्या किया गया 1989 में जो भी घटना हुई थी, उसके बाद जब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई, उसके बाद क्या हुआ, कानून बनाने का, देश के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है, उसका जो एक होता है ना, एक ड्राफ्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में उसको प्रारूप कहते हैं, इंग्लिश में उसी को ड्राफ्ट कहते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट जो बनाने का शुरुआत उस समय किया गया था, वो 1991 में कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था, जो कि नेशनल असेंबली को मिला था काम, वो 1991 में वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये जो ड्राफ्ट था, ये जो कुछ भी ये प्रोसेस चल रहा था, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। ठीक है, जो राजतंत्र था उसके पावर को क्या करना, लिमिट करना। ठीक है, अच्छा, ये पावर जो पहले किसके पास में थे, जो पहले किंग के पास थे, अब क्या कर दिया गया, उसको 3 इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये 3 इंस्टीट्यूशन क्या थे, एक था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव, और तीसरा था जुडिशियरी। ठीक है ना, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं, आई थिंक विधायिका कहते हैं, इसको कार्यपालिका कहते हैं, और इसको न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी हमारे देश में है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो उस समय क्या है, ये पावर को जो पहले केवल किंग में थी, उसको क्या किया गया, 3 इंस्टीट्यूशन में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब आप लोग पॉलिटी थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा, लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कि कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि इन दोनों पर क्या करता है, इन दोनों अगर गलत काम करते हैं तो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है ना, लेकिन ये तीनों ही बॉडी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ठीक है,
अब आप इधर लेजिस्लेचर पे आइए, तो लेजिस्लेचर में यहाँ पर कितने टोटल मेंबर थे, टोटल 745 मेंबर थे। ठीक उसी तरह से जैसे अभी हमारे यहाँ 545 मेंबर है ना, तो उस समय क्या है 745 मेंबर यहाँ पर थे। अब ये 745 मेंबर्स को इलेक्ट कौन करेगा, ये जो 545 मेंबर अभी हमारे लोकसभा में है तो उसको इलेक्ट कौन करता है, हम लोग तो इलेक्ट करने के लिए जाते हैं ना, वोट देने के लिए जाते हैं। तो ये जो 745 मेंबर है इन लोगों को कौन इलेक्ट करता था, फ्रांस में उस समय रहने वाले इलेक्टर्स जो कि कौन थे, लगभग 50,000 मैन, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। केवल जो 50,000 पुरुष हैं केवल वही क्या है इलेक्टर्स होते थे, केवल वही वोट दे सकते थे। हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय जो अच्छा ये जो मैन होते थे ये भी कौन होते थे, ये वो होते थे, मतलब सारे के सारे पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना, ये बात क्लियर हमारे माइंड में होनी चाहिए। उस समय वोट देने का अधिकार केवल उन पुरुषों को था जो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देने की हालत में होते थे, ठीक है। तो केवल उन्हीं को क्या है ये लोग इलेक्टर हो सकते थे। महिलाएं, बच्चे तो खैर वोट दे नहीं सकते थे, महिलाएं वोट दे नहीं सकती थी, जो और कारीगर या फिर और जो नीचे तबके के लोग होते थे, जो टैक्स जो मतलब जिनको हम कह सकते हैं पुअर, है ना, तो वो लोग क्या है वोट नहीं दे सकते थे इसमें, है ना। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ। और एग्जीक्यूटिव के अंदर में कौन आता था, एग्जीक्यूटिव के अंदर में आता था एक एक किंग और उसके जितने भी जो मिनिस्टर्स होते थे ना, ये उसके अंडर में आते थे, ठीक है। और ज्यूडिशरी तो आप जानते ही हो, जो कोर्ट वाला जो होता है, जो इन दोनों पर अगर ये लोग कुछ अगेंस्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करते हैं, तो ये उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो जो पावर है उसको ये 3 इंस्टीट्यूशन में क्या कर दिया गया, सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया गया, ओके। तो आप इस समय देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये एक्चुअली क्या है, उस समय जो नेशनल असेंबली थी जिन्होंने क्या तैयार किया था, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। तो वो ड्राफ्ट जो है वो एक्चुअली उसका बेस क्या था कि वहाँ के जो मैन और सिटीजन जो हैं उनके लिए ये पूरा कानून था, उनके लिए ये पूरा रूल्स रेगुलेशंस था, ठीक है ना। और उसकी जो मेन बातें क्या थी, उसकी मेन बातें थी कि इसमें किसको महत्व दिया गया था, किसको ज़्यादा ध्यान दिया गया था, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना मत रखने की आज़ादी, और इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में आता है कि ये सारी चीज़ें हैं ये अभी हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में बना, उसको हमने एक्सेप्ट बहुत बाद में किया, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं ये देखिए कितने पहले की बात है, जिसको एडॉप्ट किया गया उस समय, जिसको बनाया गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा ये क्या है, ये नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स थे, मतलब इसको प्राकृतिक अधिकार कहेंगे, है ना, नैसर्गिक अधिकार इसको कहेंगे, कि इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। इस तरह की बात देखिए इतने पुराने समय में जो है फ्रांस में देखने में आ गई थी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ इसमें हम लोग और देखेंगे कि देखिए किंग था, सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे तो किंग था, किंग के क्या थे, अनलिमिटेड राइट्स थे। उस अनलिमिटेड राइट्स को नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसको रोका, और उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए उसके, जिसमें हमने अभी देखा था 745 मेंबर थे, है ना। और इससे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आप लोग इधर ध्यान देंगे, जीन पॉल मारा, ठीक है, यानी कि ज्या पॉल मारा, ये एक कौन था, जर्नलिस्ट था,
ठीक है, एक पत्रकार था, तो उसने लामी द पप्ल यानी कि जनता का अखबार के नाम से इसका एक न्यूज़पेपर था, उसमें जो एज इट इज़ जो उसने लिखा था उसको तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि उसने उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया था। उसने उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया कि नेशनल असेंबली के आ जाने से राजा के हाथ में, किंग के हाथ में जितने भी पावर थे वो किसके हाथ में आ गए? रिच पीपल के हाथ में आ गए। थोड़ा बहुत ध्यान दिया आप लोगों ने जब मैंने बताया कि ये जो 745 मेंबर्स जो थे ये क्या थे, ये काफी रिच लोग थे, ठीक है ना, क्योंकि इनको जो वो इनके जो इलेक्टर्स थे कि वो भी कॉमन पीपल में वो लोग थे जो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी का टैक्स देने की हालत में थे, होते थे, ठीक है ना। तो ये जो 745 मेंबर्स जो कि उस समय इनके असेंबली में थे वो क्या थे, ये काफ़ी रिच पीपल थे। मतलब वहाँ से निकल के सत्ता कि इनके हाथों में आ गई थी या पावर कि इनके हाथों में आ गई थी, रिच पीपल के हाथ में आ गई थी, फ्रांस में रहने वाले रिच पीपल के हाथ में आ गई थी। तो ऐसे समय में क्या आप सोच सकते हैं कि वो जो ये जो पुअर पीपल या कॉमन पीपल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनकी स्थिति सुधरी होगी? इनकी स्थिति सुधरी होगी, ठीक है? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, क्योंकि वो रिच लोगों के हाथ में आ गई थी। तो ये लोग, ये पुअर या कॉमन पीपल के बारे में सोचने वाला कौन था? लेकिन अपने इसी अखबार में, जनता का अखबार लामी द पप्ल, इसी अखबार में ये जो जियां पॉल मरात ये कहता है, जिस तरह से लोगों ने ये किंग उसको उखाड़ फेंका, ठीक है, उसका पावर लिमिट कर दिया, आगे चल के वही जनता, ये जो रिच पीपल हैं जिन्होंने कब्जा जमा के रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो ये भी क्या है, उसको उखाड़ फेंकेंगे और उसके पावर को कम कर देंगे। ये उस समय इस पत्रकार ने, इस जर्नलिस्ट ने कहा था। आगे चल के क्या हुआ, क्या ऐसा हो पाया, ये हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।